हाय देयर, मैं अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी, और आज हम शुरू करेंगे टेज 7। सो हम इसमें यूज़ करेंगे सीमलेस टेक्सचर, और जितने भी मटेरियल्स हम इस पार्ट में कवर कर सकते हैं हम कवर कर लेंगे। बट बेसिकली होता क्या है, अब कोई अच्छा रेंडर निकालना है तो सबसे एक मेन चीज़ होती है उसकी मटेरियल्स। तो मटेरियल्स हमें जितने ज़्यादा हम मेहनत करेंगे तो उससे उसमें ज़्यादा लाइटिंग होगी और उसमें अच्छा रेंडर निकलेगा। So I'm super excited to start this day. So let's get started with this lesson. So ये थोड़ा सा बेड एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा वो आगे दिख रहा है उसको पीछे कर लेंगे, सब ठीक है ये। एंड हल्का सा उसको अलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर का तो एसी का है, ये द स्पेस इज फाइन। इसको कर लेते टेक्सचरिंग, बेडशीट को एक कोई भी फ्लोरल, अभी फ्लोरल लगा लेंगे। नाउ इट्स लुकिंग गुड, ये उसमें पिछले वाले में भी फ्लोरल ही है। सो काइंड ऑफ स्टडी रूम जैसा ही है, तो थोड़ा सा तो मोनोटोनस हो जाएगा सेम फ्लोरल अगर सब जगह लगाए तो। नीचे वुडन जो ऑलरेडी अपना सेट है वही थीम में यूज़ करूँगा, मतलब अलग अलग वुड के रंग बेसिकली मैं नहीं प्रीफर करता, तो एक ही अगर थीम रहेगा तो वो इट लुक्स गुड एज वेल। और चेयर को यहाँ बेसिकली कर देंगे लेदर, और वो हैंड रेस्ट को कर देंगे वुडन। से UVW मैप, जनरली ये जो मॉडल्स हम लेते हैं ना उसको एक्चुअली UVW मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनरैप हुआ रहता है, मतलब अच्छी तरह से वो अनरैप हुआ रहता है। सो इसके लिए ये प्रॉब्लम टेक्सचरिंग में आता नहीं है, बट यस कभी कभी अनरैप के कारण से प्रॉब्लम आता है। जिसको अनरैप मालूम नहीं है, एक अनरैप एक ऐसी चीज़ है कि 3D Max में उसको एकदम डिटेलिंग में हम टेक्सचर बना सकते हैं, एकदम डिटेलिंग में बना सकते हैं, ना कि वो रेडीमेड के ऊपर हमको ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी कैन मेक आर ओन टेक्सचर्स वॉट एवर इन वॉट एवर काइंड वी वॉन्ट, एंड एब्सोल्युटली दैट इज़ अ, वो जो टेक्सचर्स होते हैं वो सीमलेस होते हैं। सो मैंने लगा दिया लेदर का टेक्सचर, आप चाहे तो आपके हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको एक्चुअली इतने दूर से वो दिखने भी नहीं वाला है। अब अगर मैंने कलर भी किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो ठीक है, और मैं नीचे टेक्सचर नहीं करने वाला हूँ, मतलब इवन नीचे थोड़ा सा एसेस कर दिया, नीचे वो व्हील्स वगैरह छोड़ दो क्योंकि वो नहीं दिखने वाले। और लैपटॉप को, लैपटॉप टेबल को देंगे वो बेज कलर का वुड टेक्सचर, काइंड ऑफ ऑफ वाइट है वो। तो ये रहा उसका टेक्सचर, ये बहुत ही गॉडी दिखेगा। सो कंप्यूटर टेबल, और ये चेंज कर देंगे काइंड ऑफ बेज, इसमें थोड़ा सा फर्क चलेगा क्योंकि वो एक्चुअली वो फर्नीचर के थीम क्या हम नहीं लेंगे, टिक वुड काइंड ऑफ जो टेक्सचर आता है वो, जैसे सॉफ्ट बोर्ड में हम वो बनाते हैं ना, मतलब सो वैसा ही वो टेक्सचर यूज़ करेंगे। क्योंकि पीछे से जो व्यू है वो लैपटॉप का इतना दिखने नहीं वाला है, सो दे दो जो शाइनी टेक्सचर वगैरह जो है वो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम उसका एज दिख रहा है, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं ना उसके डोर के जो
फ्रेम्स है ना, उसको हम थोड़ा सा एक वुडन टेक्सचर दे देंगे, जो हमने एक्चुअली जो वुडन यूज़ किया है ना फर्नीचर में वही यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा दिखेगा वो, शाइनी भी दिखेगा। और ये भी बचा हुआ है बेडरूम में है ये चेयर, और इसको कर देंगे सेम टेक्सचर। और इसको भी कर देंगे पेस्ट UVW मैप। और इसको कर देंगे SS। इसको कर देंगे वुडन। इसको कर देता हूँ क्लोज। अभी ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं ना, सिंपल मैंने कलर और ऊपर असाइन किया है, सो इसको कर देंगे थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड। सो यहाँ करते हैं अभी लाइट ऐड। आई एम गोइंग टू वी रे एंड टेकिंग वी रे फोटोमेट्रिक, और मैं लेता हूँ यहाँ से पहला फ्री लाइट। सो बेसिकली वी रे IS भी ले या तो भी चलेगा, बट मैंने बहुत बार IS यूज़ किया है प्रोजेक्ट में, सो नाउ आई एल यूज़ फोटोमेट्रिक। तो फोटोमेट्रिक में फोटोमेट्रिक वेब लेंगे और फिर उसमें से IS फाइल असाइन करेंगे, एंड वन एंड द सेम, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ है आउटपुट में। सो मैंने उसको फाइल असाइन कर दी है। सो नाउ दिस इज अ टेस्ट रेंडर, कितनी इंटेंसिटी है क्या है हम उसको कम कर देंगे। देन आई विल से रीजन रेंडर, उतना ही चीज हम रेंडर करेंगे। नाउ स्लोली स्लोली द इंटेंसिटी इज कमिंग डाउन, मतलब एक परफेक्ट हल्का सा एक उसको कर्व आना चाहिए वॉल में। उसके लिए आई एम जस्ट वेटिंग, जस्ट वो आ गया तो हम वी कैन मूव अहेड। काइंड ऑफ इट्स फाइन, काइंड ऑफ। अब मैं लाइट को सिलेक्ट करूंगा और लाइट को ही कॉपी कर लूंगा। ये लाइट तो दो हैं, इसके लिए तो दो बार कॉपी करना पड़ेगा, एक बार कॉपी करना पड़ेगा। और इसको लेता हूं हल्का सा ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कि वो IS हो या फोटोमेट्रिक हो, उसके अंदर फिट करना चाहिए एकदम जाकर, ऐसा मत करो। जितना होता है उतना कम्फर्टेबली बाहर रखो, बीच में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने को वो कर्व आना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दो। और ये मैंने लाइट इसलिए लिया है ताकि मैं इसके अंदर फिट कर सकूं अपने को। ये जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका नाम है टू साइडेड मटेरियल। अंदर का लाइट वो डिलीट कर लेता हूं ताकि वो कुछ यूज़ का नहीं है अभी। सो इसके अंदर ये लाइट फिट करने के बाद, इसके इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखेगा।
अंदर का जो लाइट है उसका डिफ्यूजनेस अच्छा दिख रहा है, बस स्टिल इज इंटेंसिटी उसका थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी बाहर दे रहा है। और अपना जो IS जो फोटोमेट्रिक लाइट है उसके ऊपर वो ओवरकम कर रहा है, मतलब ज़्यादा ओवरराइड कर रहा है उसको। नाउ इट्स ओनली 10। ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है वो 100। एक्चुअली कव लाइट वो जितना कम दिखेगा ना उतना ही अच्छा उसका इफेक्ट आता है। इसी लाइट को मैं कॉपी इंस्टेंस करता हूँ। और यहाँ प्लेस करता हूँ इसको। और ये जो लाइट्स हैं वो सेम मैं इंस्टेंस करके मैं लेता हूँ फ्रेम्स के ऊपर, ये जो बेडरूम के ऊपर जो फ्रेम्स हैं उसके ऊपर भी वो इफेक्ट आना चाहिए, इसके लिए मैंने वो फिक्स्चर्स लगा के रखे हैं। एक बार इसका भी रेंडर चेक कर लेंगे। थोड़ा सा दूर करते थे वो जो ब्रॉड दिखना चाहिए, वो जितना छोटा दिखेगा उतना वो उतना कंपेलिंग दिखेगा नहीं, सो लेट इट बी ब्रॉड। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक ये फ्रेम्स के ऊपर भी लगा लेता हूँ। एक बार एक लाइट सेट किया तो सारा काम हो जाता है, सो मेक श्योर कि जो एक लाइट हम बना रहे हैं ना वो प्रॉपर बना रहे हैं। इंटेंसिटी विल बी 500। और एक बार टेस्ट रेंडर कर लेंगे ताकि वो सारा चीज़ एंड में ना पता चले। सो जस्ट मेक श्योर विल मेक अ टेस्ट रेंडर अगेन एंड अगेन। ये जो लाइट हमने वो लैम्प के अंदर प्लेस किया था,
I'll just make this light a copy and I'll just place above its second bedroom में जो है वो table उसके यहाँ. और इसको कर देंगे कलर थोड़ा सा वार्म कलर. और ये ऑप्शन में इसको जाके इनविजिबल और इफेक्ट रिफ्लेक्शन को ऑफ कर देंगे ताकि वो दिखे ना. सो आज के लिए इतना ही. और अगर मेरा ये वीडियो आपने एंजॉय किया हो तो लाइक पक्का करना. यही एक चीज़ होती है कि जो मुझे पता पड़ती है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. एंड अगर ये मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब पक्का करना. मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहता हूँ. सो एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग.